Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. हमारा 11th standard का bookkeeping and accountancy का जो third chapter शुरू है journal बराबर उसका हम इस वीडियो में solved illustration number 5 जो कि आपके textbook के page number 71 पे है वो हम यहाँ पे solve करेंगे one by one transactions. So friends, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशंस आते रहेगा. एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल हु हैड सब्सक्राइब्ड माय चैनल. सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. तो अब हम बिगिन करते हैं अपने सम के साथ में. तो प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक में आप देखिए, मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स. हमने यहाँ लिख के रखा है इन द जर्नल ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स डेट पर्टिकुलर सेल्फ डेबिट क्रेडिट. आप वहाँ पे बराबर फॉर्मेट बना लेना प्रॉपर तरीके से, लास्ट में डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेना. ठीक है ना दोस्तों, तो चलो अब हम बिगिन करते हैं. 1st अप्रैल 2018 को क्या ट्रांजेक्शन है वो देखते हैं. विशाल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. विशाल ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया विद कैश 90,000, फर्नीचर 60,000, बिल्डिंग 100,000 बराबर. तो चलो हम लोग इसकी एंट्री पास करते हैं. विशाल ने क्या किया, कैश से बिजनेस को शुरू किया है और बिल्डिंग और फर्नीचर से, बराबर ना. तो ये क्या तारीख है, 1st अप्रैल बराबर 01/04/2018. ठीक है, अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या है हम लोगों का दूसरा, बिल्डिंग फर्नीचर और फिर बिल्डिंग, फिर क्या है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा हम लोगों का, कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट लिखना है 90,000, फिर क्या आया हम लोगों का 60,000 और फिर क्या आया हम लोगों का 1 लाख बराबर. तो 1 लाख प्लस 60 प्लस 90. अभी अगर देखो, अगर हम लोग 1 लाख 60 में 1 लाख ऐड करते तो कितना होता, 2 लाख 60, 10,000 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपया. ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों को स्मार्ट वर्क करके और हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी है सब हम लोग कर देंगे. तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार, सॉरी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश फर्नीचर एंड बिल्डिंग. ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे ये जर्नल एंट्री पास कर दिया. अब हम चलते हैं हमारे अगले जर्नल एंट्री पे. तो परचेस्ड जो 4 तारीख को है, परचेस्ड मोटर कार फ्रॉम होंडा एंड कंपनी बाय चेक 55,000 एंड ऑन एट 18% जीएसटी. 18% अगर जीएसटी है तो सीएसटी 9% और 9% एसजीएसटी होगा और 55,000 का है ये क्या, मोटर कार. तो चलो हम लोग एंट्री पास करते हैं. कौन से तारीख को है ये, 4 तारीख को है. तो 4/4/2018 और क्या है ये हम लोगों का, तो मोटर कार अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा. जब हम परचेस करते हैं तो क्या होता है हम लोगों को, इनपुट क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्या करने का, डेबिट. फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे. और फिर उसके बाद में ये कितना बोला है, 18% बोला है, तो ये कितना हो जाएगा, 9%, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 9%.
मोटर कार की दर हम लोगों का कितने रुपए का है, 55,000 का है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे कितना, 55,000। अब 55,000 में से क्या करने का, हम लोगों को दो जीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, 550 × 9 करना पड़ेगा। तो 9 0 0 0, 9 5 45, 9 5 45 +4 हो जाएगा हम लोगों का 49। तो कितना आ जाएगा, 4950, ठीक है ना। तो 49 क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 50, और ये भी कितना आ जाएगा मेरे को, 4950, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टू। कैसे किया है ये हम लोगों ने, बाई चेक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 4 और 4 कितना होता है, 8,000 होता है, बराबर। और 8,000, 9,800, 9,800, 9,900 हो गया ये, और हम लोगों का ये 55,000। तो कितना हो जाएगा ये, 55,000 +9,900। तो ये यहाँ पे इतना हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये हो गया 14, और ये 64,900 का एंट्री हमारा पास हो चुका है। तो कितने का एंट्री किया ये हम लोगों ने, 64,900 का, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, फटाफट तरीके से यहाँ पे टोटल कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बीइंग मोटर कार परचेस्ड, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बीइंग मोटर कार परचेस्ड एट कितना परसेंट जीएसटी, तो 18% जीएसटी एंड अमाउंट क्या लिख रहा हूं मैं, अमाउंट पेड बाय बैंक या फिर चेक, ठीक है। चेक लिखो चाहे बैंक लिखो, बात एक ही है। अब चलते हैं हम लोग आगे 5 तारीख की एंट्री पे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब 5 तारीख की जब हम एंट्री पास करते हैं तो क्या है, पेड इंश्योरेंस ऑफ अभाव कार ₹3,000 टू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो हमने पे किया तो किसने रिसीव किया, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे हम लोग, कार अकाउंट कर देंगे, सॉरी टू कैश अकाउंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को जर्नल एंट्री क्या पास करना है, क्योंकि कैश गया ना हमारा, तो कैश को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 5/04/2018, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट करना है तो भी चलेगा, या फिर यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करना है तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, टेक्स्ट बुक में हमको इंश्योरेंस दिया है हाँ, और अगर आपको यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट किया तो भी कोई गलत नहीं देने वाला है। तो इंश्योरेंस, सॉरी INSURANCE, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा गया है और वो लोगों ने कुछ भी ऐसा वहां पे मेंशन नहीं किया है बैंक के बारे में, तो हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे कि कैश में ही इसका पेमेंट हुआ होगा। तो यहां पे लिख दो, बीइंग इंश्योरेंस पेड फॉर मोटर कार, बीइंग इंश्योरेंस पेड फॉर मोटर कार। चलो आगे चलते हम लोग, 5 तारीख की एंट्री कंप्लीट हो गई। 10 तारीख में क्या हो गया, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹40,000। आपने क्या किया, अमाउंट पे किया किधर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कब, 10/4/2018 को, बराबर। तो स्टेट बैंक में क्या हुआ होगा, वो पैसा आया होगा, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10/8/2018, बराबर ना, सॉरी 10/4 है वो, फोर्थ मंथ का हम लोग एंट्री ट्रांजेक्शन यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो क्या था ये हम लोगों का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ क्या लिखा हमने, इंडिया अकाउंट डेबिट। और कितना रुपया भरा है आपने वहां पे,
तो हमने वहां पे भरा है कितना, 40,000 भर दिया है। टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश हमारे पास से गया ना, तो कैश अकाउंट हमने क्रेडिट लिख दिया, और कितना आ जाएगा ये 40,000। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, नरेशन बीइंग कैश पेड टू बैंक, बराबर बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, डिपॉजिटेड इन टू बैंक। थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे आ रही है, समझ लेना ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पेड फॉर सैलरी ₹10,000 एंड रेंट ₹3,000। अब ये जो सैलरी और रेंट है हम लोगों का क्या है, खर्चा है, तो सैलरी और रेंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कौन सा तारीख है ये, 12 तारीख को है, तो 12/4/2018, तो क्या है ये हम लोगों का पेड सैलरी और रेंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सैलरी अकाउंट, क्या लिखा हमने, डेबिट लिखा, फिर क्या लिखा मैंने, रेंट अकाउंट को भी क्या कर दिया मैंने, डेबिट कर दिया। और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो कैसा है, हमारा कैश का ट्रांजेक्शन है, तो कितना है, 10 और 3,000 लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो कैश हमारा कुल मिला के कितना गया यहाँ पे, 13,000 गया है, तो वो लिख दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे अब मैं नरेशन में क्या लिखूंगा, बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड फॉर कैश, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, 15 तारीख को क्या है, ये बहुत काम का हमारा ट्रांजेक्शन है, तो बॉट गुड्स फ्रॉम राजेश ₹80,000 एंड पेड हिम वर्थर्ड अमाउंट इन कैश इमीडिएटली, ठीक है ना। तो चलो हम लोग ये जो 15 तारीख का एंट्री है ना, यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे इसके नीचे ही मैं इसका वर्किंग करता हूं, उसको आप फोकस कीजिए, एंट्री हम लोग ऊपर पास करेंगे, ठीक है। तो चलो अब ये क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम राजेश ₹80,000 परचेस किया होगा, बराबर। तो हम लोगों को यहाँ पे एंट्री तो क्या करना पड़ेगा, परचेस अकाउंट लिख देता हूं मैं, परचेस अकाउंट क्या करता हूं मैं, डेबिट कर देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोला है, 1/4 कैश में पे किया है, हाँ, तो बाकी का जो बचा हुआ था वो क्या होगा हम लोगों का, क्रेडिट में होगा, तो राजेश अकाउंट तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं राजेश अकाउंट, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूं कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे प्लीज फोकस कीजिए, अब हमारा अमाउंट कुछ भी यहाँ पे नहीं आ गया है, अब मैं यहाँ पे कुछ वर्किंग करने जा रहा हूं, चाहिए तो हम लोग यहाँ पे नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राजेश एंड 1/4 कैश पेड, ठीक है ना। अब हम इसका वर्किंग में यहाँ पे आपको बता देता हूं, तो फोकस कीजिए आप यहाँ पे, परचेस, परचेस कितने का किया है वो बताओ मुझे, तो परचेस हमने किया है ये पूरा का पूरा कितने रुपए का, 80,000 का किया है, बराबर। इसमें से 1/4, इसमें से 1/4 क्या है हमारा, कैश है, क्या है ये हम लोगों का, कैश है, और रिमेनिंग जो 3/4 है वो क्या है हमारा, क्रेडिट है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे 80,000 का 1/4 करना है हम लोगों को, तो 80,000 इंटू 1/4 करेंगे हम लोग, है ना। तो 4 1 4, 4 2 क्या होता है, 8 होता है, और ये कितना जीरो लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, इतनी बार जीरो लगा देंगे, बराबर। अब ये कितना हो गया हम लोगों का, कैश कितना हो रहा है भाई, 20,000 हो गया, बराबर। तो बचा कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना बच गया भाई, 60,000 ही बचा होगा, बराबर ना दोस्तों। हाँ, अब अगर आपको करना चाहते हो तो कर लो ये भी, तो क्या होएगा ये 80,000 इंटू 3/4, तो ये वापिस से कितना आएगा तुमको, 2,000 आएगा, और ये क्या हो गया,
20,000 इंटू थ्री कितना आता है, 60,000 आता है, ठीक है। और ये 20,000 इंटू वन कितना आता है, 20,000। देखो सॉर्टेड है हम लोगों का, हमने क्या कर दिया पूरा यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ गया ये हम लोगों को, बराबर। तो हम लोगों को कैश में कितना उठा के लिखना है यहाँ से, तो यहाँ से मैं देख के लिख लेता हूँ कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, 20,000 लिखूंगा। और राजेश का क्रेडिट में कितना डाल देंगे हम लोग, 60,000, बराबर। और टोटल कितना हो रहा है ये, 80,000। तो 80,000 का परचेस किया है हमने, बस इतना सिंपल था ये जर्नल एंट्री, बस ये इतना सा वर्किंग अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो कैश हम लोगों का कितना था, 1/4 में था, तो रिमेनिंग 3/4 क्या होगा हम लोगों का, क्रेडिट। तो क्रेडिट ये हमको कैंसिल, ये क्या बोलते हैं, सिंपल सा ये मैथ्स है, ये तो आता ही होगा सबको, ठीक है ना। तो बस हम लोगों ने ये कैलकुलेट करके और यहाँ पे ये अमाउंट लिख दिया है सक्सेसफुली तरीके से। आई होप कि आपको ये सम, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन था हम लोगों का 15 अप्रैल का, वो अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले ट्रांजेक्शन पे, उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको ये जो जर्नल एंट्री जो चैप्टर है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है ना फ्रेंड्स। और क्या करो कि इसको रोज 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 प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए अच्छे से। जब तक आप कॉमर्स लिए हो तो इसमें हायर स्टडीज भी करोगे, तो जाहिर सी बात है जब तक आपको पढ़ना है तब तक ये जनरल एंट्री तो रहेगा ही। तो इसको अच्छी तरीके से समझ जाओ अभी, और फिर बाद में आप अपने मन से ही क्या कर सकते हो, कैसे भी आपको ट्रांजेक्शन आए आप फटाफट इसके जनरल एंट्रीज को पास कर सकोगे। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। अभी अगला अगला हम लोगों का अगला ट्रांजेक्शन कौन से तारीख का है वो हम लोगों को देखना है। तो 18 तारीख का है, कैश सेल्स रुपीज 60,000 और 5% जीएसटी है। जब सेल करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगता है, और ये कैश सेल बोला है, तो क्या क्या रिसीव हुआ होगा आपको, कैश रिसीव हुआ होगा। और कितना तारीख है ये, 18 तारीख है, तो 18/04/2018। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, बराबर ये लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या आएगा हम लोगों का यहाँ पे, टू क्या लिखा हमने, सेल्स अकाउंट। और फिर क्या लिखूंगा मैं, टू आउटपुट, क्या लिखा हमने, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। और कितना कितना परसेंटेज है ये, 5%, मतलब ये 2.5% होगा, बराबर ना। अब देखो यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको, सेल्स कितने रुपीस का है ये हम लोगों का, 80,000 रुपीस का है, बराबर। यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 80,000 लिख दिया। 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000। उसका 5% कितना हो जाएगा, 10 का आधा 5 होता है, वैसे ही 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, बराबर। तो 4,000 हुआ ये, बराबर। 5% कितना है, 4,000, 5 का आधा कितना है, 2.5, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, 2,000, और कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2,000। तो टोटल एंट्री कितने की हो गई हम लोगों की, 84,000 की। आई होप कि आपको ये एंट्री बहुत अच्छी तरीके से अमाउंट के साथ में समझ में आ गई होगी, है ना फ्रेंड्स। तो ये कितना था हम लोगों का, मैंने गलती से 80,000 अमाउंट अज्यूम कर लिया, मैंने अभी नीचे देखा तो ये कितना था, सॉरी कितना है ये, 60,000 है, कितना है ये, 60,000 है, ठीक है ना। तो अब ये जो 60,000 है इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का, 60,000 है तो 10% कितना होगा, 6,000। उसका आधा कितना होता है, 10 का आधा 5 का, तो ये 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, बराबर। 5 का हाफ कितना होता है, 2.5, तो वैसे 3 का हाफ कितना हो जाएगा, 1500। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, 1500। तो ये कितना बन जाएगा हम लोगों का, 63,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट
5% क्या है ये हम लोगों का जीएसटी। चलो आगे चलते हैं। रिसीव्ड रेंट रुपीज 1000 एंड कमीशन रुपीज 4000। अब जाहिर सी बात है जब आपने रिसीव किया होगा तो रिसीव किया है तो आपको क्या हुआ होगा, कैश आया होगा बराबर, रेंट और कमीशन आपने रिसीव किया है। खाली हम पेमेंट ही नहीं करते, रेंट और कमीशन का ये हमारा इनकम भी हो सकता है बराबर। तो रेंट रिसीव्ड हमारा क्या है, इनकम है, और कमीशन भी यहाँ पे इनकम है। तो हमको क्या आया होगा, यहाँ पे कैश आया होगा। और कौन से तारीख को है ये हम लोगों का, 20 अप्रैल, 20th अप्रैल को है ये हम लोगों का ट्रांजेक्शन। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट क्या है ये हम लोगों का, डेबिट है। फिर टू क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रेंट अकाउंट, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कमीशन अकाउंट बराबर। तो ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसकी क्या करते हैं, अमाउंट्स लिख देते हैं। तो 1000 और 4000 है ये, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 4000। तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, 5000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बीइंग रेंट एंड कमीशन, बीइंग रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड इन कैश, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। चलो आगे चलते हैं। 25th तारीख को क्या हो रहा है यहाँ पे, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस 1500। तो टेलीफोन चार्जेस इज व्हाट अवर एक्सपेंसेस, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा भाई, डेबिट करना पड़ेगा। तो 25/04/2018, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टेलीफोन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट को क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डेबिट लिखा। टू क्या किया है यहाँ पे, पेड फॉर, हाँ तो कैश ही लिख देते, कुछ नहीं दिया है तो बराबर, और कैश गोज आउट हो रहा है तो हम लोगों ने क्या कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ये 1500, और नरेशन में लिख देता हूं बींग टेलीफोन चार्जेस पेड, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बींग टेलीफोन चार्जेस पेड, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी जर्नल एंट्री कंप्लीट कर दिया है। इनवॉइस गुड्स टू कटरीना फॉर कैश 75,000 एट 5% जीएसटी, क्या किया है, इनवॉइस्ड किया है, इनवॉइस्ड किया है मतलब क्या किया है हम लोगों ने, उनको सेल किया है बराबर। तो सेल किया है, इनवॉइस्ड फ्रॉम बोला होता तो हम लोगों को क्या आता है यहाँ पे, परचेस आता, ठीक है। तो इनवॉइस्ड किया है हम लोगों ने, और कौन से तारीख का है ये एंट्री हम लोगों का, हम लोगों का ये है एंट्री 27 तारीख का। तो यहाँ पे भी हम लोगों को सेम 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 कौन सा वाला एंट्री करना है, इस तरीके का एंट्री कुछ करना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, और कैश में हम लोगों को 75,000 रुपीज ये हुआ है बराबर, मिला है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 27 तारीख की एंट्री में जाते हैं, और क्या ये यहाँ पे हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैटरीना को हम लोगों ने क्या किया है, गुड्स इनवॉइस किया है, और कितने में किया है, कैश 75,000। तो कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, और सेल्स बराबर, सेल्स सेल्स में कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 75,000 बराबर टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे कितना आएगा हम लोगों को, 75,000, और यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों का आउटपुट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टू आउटपुट सीजीएसटी, और क्या आएगा, टू आउटपुट एसजीएसटी। तो टू आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट और एस जी एस टी अकाउंट, और कितना परसेंटेज है इसका, तो इसका है 5%, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5% और 2.5% बराबर ना, तो 2.5% और 2.5%। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसका इसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 10% कितना हो रहा है इसका, 7500, तो 7500 का हाफ कितना होता है अभी पता चल जाएगा हम लोगों को।
तो 3500 प्लस 250 तो कितना हो रहा है, ये हम लोगों को 50 और ये 5 6 7 और ये कितना हो गया 3750, 3750, 3750 हो रहा है ये कितना हुआ हम लोगों का 5%, इसका और आधा करना है तो यहाँ पे मैं 3750 को डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, 2 1 2 बराबर, फिर ये 1 कैरी, 2 8 कितना होता है भाई 16 होता है, वापिस से हम लोगों का क्या होगा 1 कैरी होगा और ये कितना हो जाएगा अब हम लोगों का 2 7 कितना हुआ ये 14 और ये 5 आ जाएगा तो 1875 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का 1875। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया है। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 7500 को फाइंड किया, ये कितना था हम लोगों का यहाँ पे, ये था हम लोगों का 10%, फिर उसका आधा किया, उसका आधा किया, फिर उसका और आधा किया तो हम लोगों को क्या हो गया ये अमाउंट आ गया बराबर। तो अब यहाँ पे कितना अमाउंट लिखेंगे हम लोग, 75,000 प्लस 1875 प्लस 1875 ये हो जाएगा हम लोगों का 78, कितना हुआ ये 78750 हो गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जर्नल एंट्री को पास कर दिया है और अब हम यहाँ पे इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 5% जीएसटी। चलो चलते हैं आगे, तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा सा जगह बनाना होगा, इसके लिए ये हम यहाँ से मिटा देते हैं। चलो तो अब हम लोगों का कुछ थोड़ा सा ही एंट्रीज यहाँ पे बचा हुआ है तो प्लीज आप फोकस करो यहाँ पे, जनरल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए। सुनीता बॉट गुड्स, सुनीता ने क्या किया है, गुड्स खरीदा है बराबर, और 45,000 का है ये, और उन्होंने क्या किया है 5% जीएसटी पे, तो मतलब इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बॉट किया है और क्या है कि मतलब कैश वगैरह कुछ नहीं दिया है तो परचेस अकाउंट हम लोगों को लिखना पड़ेगा बराबर ना, तो हम लोग यहाँ पे सॉरी एक मिनट रुको, सुनीता ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अस, अरे रे रे सॉरी 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 अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग इसको, सुनीता ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अस मतलब उन्होंने खरीदा है हम लोगों से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ये, ठीक है कंफ्यूजन हो गया था रीडिंग करने में, सॉरी उसके लिए। मैंने क्या किया था कि गुड्स परचेस फ्रॉम सुनीता ऐसा समझ लिया था मैंने, जबकि क्या है सुनीता ने ब्रॉट किया है हमारे से। तो चलो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये कैश तो ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कैश वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है और सुनीता नेम लिखा हुआ है, तो कौन रिसीवर होगा इसका, तो सुनीता विल बी व्हाट रिसीवर, तो सुनीताज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखूंगा बराबर, और टू क्या होएगा ये हम लोगों का आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, और ये वापिस से कितना है ये 5% है तो ये कितना हो जाएगा 2.5% और 2.5%, ठीक है ना दोस्तों। तो अब सेल्स कितने का बता रहे हैं ये लोग, तो 45,000 का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45,000। अब 45,000 का 10% कितना होता है 4,500, 4,500 का 4,500 का हाफ कितना होता है 2,250 बराबर, कितना हुआ ये 2250, इसका आधा करना है तो 2102, 2102, 2204 और ये कितना आ गया 1125, कितना आया है ये हम लोगों को 1125 और 1125 बराबर, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब ये कितना आ रहा है 5 6 7, तो 47
एक मिनट रुको, 47 to 50 आएगा ये, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों को ये कंप्लीट कर देना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 47 to 50 और ये हमारा टोटल हो गया है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं बीइंग, क्या लिखा हमने, गुड्स सोल्ड टू सुनीता फॉर क्रेडिट एट 5%, क्या है ये, हम लोगों का जीएसटी है। अब 30 तारीख को क्या हो रहा है कि प्रिंटिंग पेड फॉर प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग इज प्रिंटिंग का जो खर्चा होता है वो हम लोगों का एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चा माना जाता है, मतलब एक्सपेंसेस है वो। तो प्रिंटिंग के खर्चे को हम लोगों को क्या करना है, डेबिट करना है, और ये पेड बाय डेबिट कार्ड ऑफ एसबीआई, मतलब बैंक से पे हुआ है। तो फटाफट इस एंट्री को पास कर देते 30/4/2018 को। तो क्या लिखूंगा मैं, प्रिंटिंग प्रिंटिंग पेड फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग चार्जेस लिख देते हम लोग, प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट, और कितना रुपीस है ये, तो 17,000 है। यहां से हम लोग अब लिख लेते हैं कितना आ रहा है ये, 17,000 बींग पेड फॉर प्रिंटिंग चार्जेस बाय बैंक, बींग प्रिंटिंग चार्जेस पेड बाय एसबीआई, क्या लिखा हमने, डेबिट कार्ड, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे, ये जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम जो इलस्ट्रेशन 6 है हमारा सॉल्व इलस्ट्रेशन, वो हम सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।